ओके, आज हम ग्रेविटेशन ही बेसिकली आपका कंटिन्यू करते हैं। वेट फॉर अ मोमेंट। ओके, है ना। तो आज भी हम ग्रेविटेशन ही कंटिन्यू करते हैं। ग्रेविटेशन देखो, लास्ट क्लास में जो आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा था ना, हमने सिर्फ दो लॉ पढ़े थे। एक तो आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था कि जो फोर्स होता है उसकी वैल्यू जो होती है, दैट इज इक्वल टू जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई डी स्क्वायर था। और दूसरा आपने पढ़ा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, कि जी की वैल्यू सर्फेस ऑफ द अर्थ पे आपकी होती है जी एम बाई आर स्क्वायर, है ना। जस्ट दो फॉर्मूले पढ़े थे और इसी के बेसिस पे हम न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट कर रहे थे, है ना। तो एनसीईआरटी में तो ग्रेविटेशन में यही दिया हुआ है, यही दो चीजें हैं। अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूँ तो एनसीईआरटी में ये दो चीजें प्लस आपका मोशन अंडर ग्रेविटी है, जो कि हम मोशन में ऑलरेडी पढ़ चुके थे, प्लस इसमें जो आता है वो क्या आता है, जैसे कि आपका मोशन अंडर ग्रेविटी है ना, या फ्री फॉल, है ना। फ्री फॉल भी नॉर्मल इसी चैप्टर में इसमें दिया हुआ है, मोशन अंडर ग्रेविटी या फ्री फॉल, लेकिन हम उसको नॉर्मली पहले भी पढ़ चुके हैं। आज हम थोड़ा सा कुछ चीजें एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। तो एक्स्ट्रा में अगर हम ग्रेविटेशन में जानना चाहें ना, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है, वी कॉल इट एज अ शेल थ्योरम। ये सबसे पहले हम यहाँ पे जो चीज पढ़ते हैं, वी स्टडी द शेल थ्योरम, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, शेल थ्योरम। तो शेल थ्योरम का स्टेटमेंट ये है, पहला स्टेटमेंट आपका ये होता है कि इनसाइड ए यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल, यूनिफॉर्म, अब उसके बाद शेल हो तो हॉलो ही होगा, लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूं हॉलो स्फेरिकल शेल, इनसाइड ए यूनिफॉर्म हॉलो स्फेरिकल शेल, ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स इज जीरो, है ना। कि भाई इनसाइड ए यूनिफॉर्म वाले स्फेरिकल शेल अगर कोई भी होगा तो उसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, बेसिकली आपकी जीरो होगी। और सेकंड स्टेटमेंट आपका ये होता है कि फॉर एक्सटर्नल पॉइंट यूनिफॉर्म स्फेरिकल बॉडी, है ना, बिहेव एज ए पॉइंट मास, बिहेव एज पॉइंट मास। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि हम एक शेल थ्योरम पढ़ते हैं कि इनसाइड ए यूनिफॉर्म स्फेरिकल हॉलो शेल ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू जीरो होती है ना। कि मतलब अगर मैं यहाँ पे कोई इस तरह से शेल ले लूँ, कि भाई इस तरह से आपका कोई
ये शेल है, हॉलो शेल है ना, कि भाई इसके अंदर बाहर भी एयर है, अंदर में खाली है, सॉलिड नहीं है बल्कि हॉलो है। तो किसी भी हॉलो शेल के अंदर जो होती है ना, अगर इसके अंदर में कोई दूसरा, सपोज शेल का जो मास है वो कैपिटल एम है, इस शेल का मास कितना है, इसलिए आपका कैपिटल एम है। इसके अंदर कोई मैं स्मॉल मास कहीं भी रख दूं तो स्मॉल मास के ऊपर फोर्स की वैल्यू जीरो होगी, है ना। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि फर्स्ट स्टेटमेंट का कि फोर्स ऑन स्मॉल एम विल बी इक्वल टू जीरो, विल बी जीरो, है ना। कि जो मतलब वो फ्लोट करेगा, नहीं फ्लोट नहीं करेगा, अगर हम रख दें इसको ऐसे तो उसके ऊपर फोर्स की वैल्यू जीरो होगी, है ना। कि मतलब हाथ से पकड़ भी लें इसे अंदर में इससे, तो नॉर्मली उसके ऊपर स्मॉल एम की वैल्यू जीरो, फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। कि भाई किसी भी शेल के अंदर ना अगर कोई दूसरा मास होगा तो कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं होता दोनों के बीच, क्योंकि कैपिटल एम का अंदर में कोई इफेक्ट नहीं होता है, बशर्ते कि हॉलो हो, है ना। कि हॉलो शेल के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी, है ना। तो पहली चीज आपकी ये होगी, है ना। आपका कहना वो भी सही है कि अगर उसके अंदर हम रख दें तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही अगर नहीं लग रहा है तो वहीं रह जाएगा, वो जो चीज होगी वहीं पे क्या होगी, इसलिए आपके रह जाएगी। ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। और सेकंड स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर मैं कोई भी स्फेरिकल बॉडी ले लूं, चाहे सॉलिड हो चाहे हॉलो, है ना, कि अगर ये कोई स्फेरिकल बॉडी है यूनिफॉर्म, हो सकता है सॉलिड भी हो सकती है हॉलो भी हो सकती है, उससे फर्क नहीं पड़ता कुछ भी, कि ये सॉलिड भी हो सकती है, ये तो हॉलो है, ये तो आपका शेल है, ये हॉलो होगा तभी तो अंदर मास रखेंगे उसके, तो मास रखेंगे तो उसके बाद फोर्स की वैल्यू जीरो होगी। ये चीज आपकी सॉलिड या हॉलो कुछ भी हो सकती है ना। तो मैं ये बोल रहा हूं कि इसका मास अगर कैपिटल एम है और इसके बाहर अगर मैंने कोई मास रख दिया, है ना, कि कैपिटल एम इसका मास है और इसका रेडियस आपका कैपिटल आर है, तो अगर इसमें मैंने बाहर मास रख दिया तो इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, और इस बाहर वाले मास के लिए कैसा बिहेव करेगा ये वाला जो स्फेरिकल बॉडी है, कि सारा का सारा मास इसके सेंटर में कंसंट्रेटेड है। इसका मतलब ये हो गया कि भाई जब ये हॉलो के अंदर कोई मास होता है तब तो कोई फोर्स लगता नहीं है, लेकिन बाहर वाले मास के ऊपर फोर्स लगेगा, ये कैपिटल एम इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। कि अगर इन दोनों के बीच का मैं कोई डिस्टेंस ले लूँ, कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर कोई आर है, तो ये जो कैपिटल एम मास है इससे स्मॉल एम मास को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा किसी फोर्स से, है ना। अब वो फोर्स हम निकालेंगे कैसे, क्योंकि ये तो ये एक पॉइंट मास है, ये बॉडी है, तो इसके मास को भी हम सेंटर में कंसंट्रेट कर सकते हैं, ये कैसे बिहेव करेगा एज ए ये पॉइंट मास, ऐसा हो जाएगा कि इस पूरा मास जो होगा इसके सेंटर में कंसंट्रेट हो जाए। अब आपका सेम फॉर्मूला है कि अगर इनके बीच में फोर्स निकालने के लिए बोला जाए तब तो आप सिंपल सा न्यूटन्स लॉ यू वाला यूज कर लोगे, कि इन दोनों के बीच में फोर्स की वैल्यू हो जाएगी जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई दोनों के सेंटर से इसकी डिस्टेंस जो होगी वो आर स्क्वायर हो जाएगी, है ना। तो बेसिकली अंदर में कोई फोर्स नहीं होता है, कि अंदर में इसके ऊपर फोर्स की वैल्यू जीरो होगी, लेकिन जब हम इसके बाहर ले जाएंगे तो चाहे हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, ये पूरी चीज कैसे बिहेव करेगी एज ए पॉइंट मास, तो उसके ऊपर जो फोर्स की वैल्यू होगी वो जी एम बाई क्या हो जाएगा, इसके लिए आपका आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये शेल थ्योरम होता है, कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर कई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो आज का लेक्चर जो है ना इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, है ना। क्योंकि एनसीईआरटी का जो पोर्शन था वो तो हम कंप्लीट कर ही चुके हैं, हमेशा ऐसे ही करना चाहिए आपको, पहले सबसे पहले जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं उसको पहले कवर कर लो, फिर उसको हायर लेवल पे और पढ़ लो उसे आप, और मॉड्यूल कंप्लीट कर लो, दैट्स ऑल, है ना। उसके बाद फिर जो प्रीवियस ईयर एनसीईआरटी एनटीएससी या इस तरह के चैलेंजिंग क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व कर लो, है ना, जूनियर साइंस ओलंपियाड के या एनटीएससी के वो क्वेश्चंस कर लेंगे, है ना। तो तीन स्टेप होता है, एनसीईआरटी मॉड्यूल एंड जो एनटीएससी या जेएसटीएस की जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप सॉल्व कर लो, तो इससे आपका कंप्लीट हो जाता है जो हम करना चाहते हैं। अभी 11th पढ़ने का फायदा नहीं होता, मैंने कई बच्चों को देखा है वो 9th में पहले 11th का पढ़ रहे हैं, फिर 11th में फिर से वही चीज़ पढ़ रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं। अभी जो चीज़ है जो आपका काम की चीज़ है उसको कंप्लीट करो, है ना। तो हम कर लेंगे ऐसे, तो ये फर्स्ट आ गया एज वेल एज क्या आ गया, इसलिए आपका सेकंड आ गया। सेकेंड स्टेटमेंट कुछ भी नहीं है बेटा, कि फॉर एक्सटर्नल पॉइंट, इसके बाहर अगर पॉइंट हम कोई ले लें, क्या फॉर एक्सटर्नल मास ले लो आप इस तरह से, कि फॉर एक्सटर्नल मास, कि अगर ये स्मॉल एम हम बाहर रख रहे हैं तो ये पूरी चीज एज ए पॉइंट मास बिहेव करेगी, इस पूरे कैपिटल एम के मास को हम सेंटर में कंसंट्रेट कर देंगे, और ये कैपिटल एम हो गया
ये स्मॉल एम हो गया, बीच में डिस्टेंस अगर इसकी आर है तो इसके बीच में जो फोर्स होगा वो जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, है ना। अंदर में तो कोई फोर्स लगता ही नहीं है हॉलो शेल के अंदर, बाहर के लिए एज ए पॉइंट मास बिहेव करता है, ये इस स्टेटमेंट का मतलब है, है ना। अब इसी स्टेटमेंट के ऊपर हम आते हैं, नहीं खुद से रजिस्टर करना होता है बेटा, ये आपके स्कूल के थ्रू रजिस्टर होता है, आपको खुद से करना होगा या स्कूल के थ्रू रजिस्टर होता है। इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे, आपके ग्रुप में इन्फॉर्मेशन आती रहेगी कि इसका फॉर्म आ गया, इसका फॉर्म आ गया, यू कैन फिल, वो इस इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, लेकिन आपको फिल खुद से करना पड़ता है। या पड़ेगा फर्स्ट एंड सेकेंड आ गया। अब हम आ जाते हैं कि जैसे आपने ये पढ़ा था एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, उसी के ऊपर वापस से आप आ जाओ। जो लास्ट क्लास में आप पढ़ रहे थे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सर्फेस, कि अगर हम यहां पे बात करें एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सर्फेस, ग्रेविटी ऑन अर्थ सर्फेस कि अर्थ के सरफेस पे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो आपने पढ़ा था कि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो सरफेस ऑफ द अर्थ पे होगा उस जी की वैल्यू जो होती है वो आपकी होती है जी कैपिटल एम वाई आर स्क्वायर, है ना। ये तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, इसमें कैपिटल एम की वैल्यू आपको पता होती है, जी भी पता होता है, रेडियस भी पता होता है। अर्थ का रेडियस जो होता है वो 6400 किलोमीटर होता है एवरेज रेडियस, है ना। तो जब जी की वैल्यू आप लिखते थे तो इसकी वैल्यू जो आती थी वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाती है। लेकिन ये जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, ये अर्थ सरफेस पे होता है। लेकिन एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की अगर हम बात करें ना, तो इसमें वेरिएशंस भी होते हैं। तो आज का जो टॉपिक है आपका ये है कि वेरिएशन इन एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, कि वेरिएशन इन एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ, सबसे पहले कि भाई वेरिएशन एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे होगा, ये तो सरफेस पे है, विथ हाइट, भाई हाइट के साथ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या होगा, कि अर्थ के सरफेस पे अगर इतना है तो किसी एच हाइट पे क्या होगा। तो आप क्या समझते हो हाइट के साथ क्या होता है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या सेम रहती है, जैसे जैसे हाइट क्या होती है, जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, डिक्रीज क्या होता है, डिक्रीज, हाँ डिक्रीज होता है, है ना, कि भाई एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ हाइट इट डिक्रीजेस, इट डिक्रीजेस, है ना। क्यों डिक्रीज होता है उसके बारे में अभी आपने इसमें पढ़ा शेल थ्योरम में, आपको यही तो निकालना है कि जैसे सरफेस ऑफ द अर्थ में आपने ये निकाल लिया, अगर मेरे को किसी हाइट पे निकालना है ना, कि एक्सलेशन ये अर्थ है आपका, है ना, अर्थ को हम मान सकते हैं कि यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है और इसकी जो रेडियस है वो आप आर ले लो, रेडियस इसकी आर है, और आपको निकालना है यहाँ पे कहीं पे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होगी, और सरफेस से इसकी हाइट सपोज एच है, कि एच हाइट पे कितनी होगी। तो जैसे जैसे सरफेस से ऊपर जाएंगे ना एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होती जाती है, तो एच पे हम कैसे निकालेंगे। तो अभी आपने पढ़ा कि अगर मैं अर्थ का मास में कैपिटल एम ले लूं और यहां पे स्मॉल एम ले लूं तो इसके ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा हम निकाल सकते हैं, इसको अट्रैक्ट करेगा ना, और वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो आपका हो जाएगा जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर, और स्मॉल आर क्या होता है कि इस मास से अर्थ के सेंटर के डिस्टेंस, है ना। तो यहाँ पे स्मॉल आर की जगह पे हम लिख सकते हैं कैपिटल आर प्लस एच, है ना। इसलिए तो आपने बोला है कि जैसे जैसे आर बढ़ेगा तो के वैल्यू डिग्री, ये एफ आ गए, तो स्मॉल आर की वैल्यू आर प्लस एच आ गई, तो जो फोर्स की वैल्यू होगी उस साइड पे वो जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई आर प्लस एच हो जाएगा, है ना। और जी की जो वैल्यू होगी इसको अगर मैं जी नॉट ले लूं, एक्सलेशन ड्यू टू अर्थ सरफेस पे जो ये वैल्यू है वो सपोज जी नॉट है, जी एम बाई आर स्क्वायर, तो जी की जो वैल्यू होगी किसी हाइट पे वो फोर्स को मास से डिवाइड करके तो आ जाएगा,
है ना, सॉरी ये आर प्लस एच का स्क्वायर होगा, है ना। तो किसी भी हाइट पे जी की जो वैल्यू हो जाएगी जब एम से डिवाइड करेंगे तो एम तो कैंसिल हो जाएगा, ये चीज आपकी आ जाएगी जी एम बाई आर प्लस एच का स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा, है ना। ये क्या आ जाएगा, इसलिए आपका जी एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आ गया कि भाई किसी भी हाइट पे जो जी की वैल्यू होगी वो जी एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर तो सर्फेस पे होती है, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा जी की वैल्यू डिक्रीज होगी, है ना। तो जी की वैल्यू 9.8 से कम भी हो सकती है ना। और इस फॉर्मूले से हम किसी भी हाइट पे जी की वैल्यू क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, है ना। कि किसी भी इस फॉर्मूले से किसी भी हाइट पे हम जी की वैल्यू क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपल से आप लिख लोगे एच हाइट पे जी एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। वो सिंपल चीज है कि भाई अगर सर्फेस पे निकालना था आपको तो सेंटर से इसकी डिस्टेंस आपने आर ले ली थी, अगर एच हाइट पे निकालना है तो सेंटर से डिस्टेंस आर प्लस एच हो जाएगा। इसमें कोई ऐसा सरप्राइजिंग चीज तो है नहीं, है ना। तो वेरिएशन इन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पहला आ गया विथ हाइट इट डिक्रीजेस। इसी को थोड़ा सा, वैसे उसकी जरूरत नहीं आपको, आप में से इसी को यूज करना है ना, इसी फॉर्मूले को आप यूज करना या इसी को फॉर्मूले को रखो, उस फॉर्मूले को आप जानो ही मत। कभी अगर न्यूमेरिकल में उस फॉर्मूले का यूज हो रहा होगा तो मैं आपको बता दूंगा, अदरवाइज तो यही होता है फॉर्मूला, है ना। अदरवाइज जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, बेसिकली आपका यही हो जाएगा, है ना। इसी को कई बार हम ऐसा लिख सकते हैं कि यहां से मैं अगर इसमें कैपिटल आर को बाहर निकाल लूं, कैपिटल आर स्क्वायर को, तो यहाँ पे वन प्लस एच बाई आर हो जाएगा और जी एम बाई आर स्क्वायर जो हो जाएगा वो जी नॉट हो जाएगा। तो जी नॉट बाई ये आपका वन प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर हो गया, ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। कि सेम फॉर्मूले को मैंने थोड़ा सा कैपिटल आर स्क्वायर को यहां से बाहर निकाल लिया तो यहां तो वन आ गया, यहाँ पे आर डिवाइड हो गया, और जी एम बाई आर स्क्वायर अभी आपने पढ़ा है जी नॉट होता है सरफेस पे, तो सरफेस पे अगर जी नॉट है तो एच हाइट पे जी की वैल्यू ये होगी, है ना। एच हाइट पे जी की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए आपकी ये हो जाएगी। तो इस फॉर्मूले को चाहे तो आप इसको यूज करो चाहे इसको यूज करो, बाकी एक ही, दोनों एक ही चीज है। हाँ, सब्सक्रिप्शन का मतलब, जी नॉट का मतलब ये है कि सरफेस पे हम ले रहे हैं इसे, अर्थ के सरफेस पे ले रहे हैं, है ना। किसी जैसे यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर जी नॉट है ना, रेफरेंस हम अर्थ के सरफेस को ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यूज होंगी वो जी हो जाएंगी, है ना। तो जी नॉट अगर सरफेस पे है तो किसी हाइट पे कितनी होगी, तो नॉर्मली चेंज करना पड़ेगा ना थोड़ा सा कि अर्थ के सरफेस पे हो जाएगा, राइट, है ना। तो हम कर सकते हैं नॉट, कोई नहीं, एक सिंबल है और कोई मतलब नहीं इसका, जस्ट एक सिंबल आपने ले लिया है कि वहां पे जी नॉट होगा, आप चाहो तो कुछ दूसरा ले सकते थे। एक बार फर्स्ट पेज दिखा सकते हैं? हाँ, फर्स्ट केस दिखा रहा हूँ मैं आपको। फर्स्ट केस में तो जस्ट शेल थ्योरम पढ़ा था आपने, दिस इज द पेज नंबर वन ऑफ ग्रेविटेशन। सर एक चीज मिस हो गया था, सर हो गया। अच्छा हो गया, चलो ये आपका गेस, ये आपका सेकंड आ गया। तो हाइट के साथ जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होता जाएगा, है ना। ग्रेविटी की वैल्यू हाइट के साथ क्या होती है, बेसिकली आपकी डिक्रीज होती है, ये आपका फर्स्ट आ गया। सेकंड पे हम आ जाते हैं, है ना। वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू डेप्थ, डेप्थ के साथ क्या होता है, अगर अर्थ के अंदर हम जाना शुरू करें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या चेंज आएगा, है ना। वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ डेप्थ, है ना। तो डेप्थ के साथ क्या होता है, जैसे जैसे अर्थ के अंदर अगर हम जाएंगे तो क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, सर इंक्रीज नहीं डिक्रीज होती है, विथ डेप्थ इट ऑल्सो डिक्रीजेस, है ना। कि अर्थ के सरफेस पे जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होती है, क्योंकि उसका रीजन होता है अभी जो आपने शेल थ्योरम पढ़ा वही, है ना। एक्चुअली में क्या होता है, वो कैसे निकालेंगे है? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मतलब मेरा पर्पज ये है, ये आपका अर्थ है ना, अर्थ सॉलिड स्फीयर होता है। अब मुझे ये निकालना है कि भाई अर्थ के सरफेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है ना, कि अर्थ के सरफेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो सपोज आपका जी नॉट है
हाँ, तो हाइट के साथ डिक्रीज हो रही है। अब मैं निकाल रहा हूँ इसके डेप्थ में कितनी होगी, यहाँ पे कहीं पे किसी, अगर हम इसके अंदर चले जाएं, कोई टनल वगैरह है या कोई डीप ट्रेंच है, तो उसके डेप्थ पे क्या होगा, है ना। अब इस बात है, ये सेंटर ऑफ द अर्थ है ना, तो यहाँ पे भी वैल्यू इसकी डिक्रीज होती है कि अगर यहाँ पे जी नॉट है और इस जगह पे अगर हम एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जी ले लेते हैं, तो जी की वैल्यू जी नॉट से कम होती है, है ना। जैसे जैसे आप अर्थ के अंदर जाते जाओगे, जी की वैल्यू डिक्रीज होगी, और सेंटर ऑफ द अर्थ पे जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो जीरो हो जाती है। कि सेंटर ऑफ द अर्थ पे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, है ना, कि सेंटर ऑफ द अर्थ पे आपका जीरो हो जाएगा, है ना, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू। तो आप कितना होगा ये निकालना है, कि अगर आर रेडियस हम ले लें इसका, ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो आर माइनस डी हो जाएगी। तो एक्चुअली इसको निकालने के लिए क्या करते हैं ना, हम दो पार्ट में इसको मान लेते हैं, कि जिस पॉइंट पे मुझे निकालना है उसके अंदर का स्फीयर मैंने अलग से ले लिया, कि जिस पॉइंट पे निकालना है उसके अंदर का स्फीयर अलग से ले लिया, बाहर का अलग से ले लिया। तो आपको पता है बाहर की वजह से तो अंदर में कोई फोर्स लगता ही नहीं है, ये जो मैंने शेडेड पोर्शन किया है उसकी वजह से तो कोई फोर्स नहीं लगेगा उस पॉइंट पे। अभी तो आपने शेल थ्योरम पढ़ा, शेल थ्योरम यही तो बोलता था कि बाहर में कोई भी मास हो उसकी वजह से अंदर में कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई फोर्स नहीं होता है। तो जो जिस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं उसके आउटसाइड मास अगर हम देखें तो उसकी वजह से कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा, जो ही फोर्स लगेगा सिर्फ अंदर वाले की वजह से लगेगा, है ना, जो आर माइनस डी पे है। हाँ बताओ। यस सर। है ना, तो आप जब हम फोर्स इसके ऊपर निकालेंगे स्मॉल एम मास रख के, तो वो फोर्स अगर एफ है तो आपका ये हो जाएगा जी एम डैश इंटू स्मॉल एम बाई आर माइनस डी का होल स्क्वायर। है ना, क्योंकि डिस्टेंस तो आर माइनस डी हो गई। अब एम डैश मैंने किसका मास ले लिया, एम डैश मैंने मास ले लिया अंदर वाले का, मास ऑफ इनर स्फीयर, जिसको मैंने डार्क नहीं किया है, उसका स्फीयर का मास एम डैश हो गया। और वो एम डैश हम निकाल सकते हैं, अगर टोटल मास इसका एम है तो वी कैन फाइंड आउट द एम डैश। एम डैश की वैल्यू हो जाएगी एम बाई 4 बाई 3 पाई आर क्यूब इंटू 4 बाई 3 पाई इंटू आर माइनस डी का क्यूब, ये एमडैश की वैल्यू हो जाएगी। कैसे निकाला एमडैश की वैल्यू मैंने, कोई मुझे हेल्प कर सकता है क्या, ये कैसे निकाल लिया मैंने इसे भाई, डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया भाई, इस पूरे अर्थ की डेंसिटी तो सेम ही रहेगी ना, तो डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होती है। ये जो चीज हो गई, अगर पूरे अर्थ का मास कैपिटल एम है और पूरा वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब है, ये आपकी अर्थ की डेंसिटी हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, सिंपली आपका डेंसिटी ऑफ अर्थ। तो आपको ये तो निकालना है जो अंदर में आर माइनस डी का स्फीयर, इसका मास कितना होगा, तो डेंसिटी को हम वॉल्यूम से उसके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डेंसिटी ऑफ द अर्थ निकाल के उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो इस तरह से आ गया, है ना। तो यहाँ से आपका 4/3 पाई तो कैंसिल हो गया, तो जो एम डैश की वैल्यू हो जाएगी वो ये हो जाएगी एम बाई आर क्यू इंटू आर माइनस डी का क्यू, है ना। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे कि अब क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिकली आपका इस तरह से हम वैल्यूज पुट कर देंगे इसका, है ना, कि इसकी वैल्यूज को हम पुट कर देंगे एम डैश की यहाँ पे, तो जी इंटू एम डैश की जगह पे आपका ये आ गया एम बाई आर क्यू इंटू आर माइनस डी का क्यू, है ना, इंटू स्मॉल एम बाई आपका कैप्ट आर क्यूब आ गया, है ना, बाई आपका आर माइनस डी का स्क्वायर आ गया, है ना, ये फोर्स लग गया, है ना। तो फोर्स जब लग गया तो आपको देखो इसका पावर भी कैंसिल हो गया आपका, ये आर माइनस डी से इसका 3 पावर कैंसिल हो गया, और जो जी की वैल्यू हो जाएगी वहां पे वो एफ बाई एम हो जाएगी, तो ये स्मॉल एम भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आ गया अल्टीमेटली जी एम बाई आर क्यू इंटू आर माइनस डी, हाँ तो ये फॉर्मूला आ गया। और अब इस बात है कि जो इसमें जी एम बाई आर स्क्वायर है उसकी जगह पे हम जी नॉट पुट कर सकते हैं, जी नॉट जो है वो जी एम बाई आर स्क्वायर तो है, तो अल्टीमेटली जी की वैल्यू आपकी हो जाएगी जी नॉट इंटू वन माइनस डी बाई आर, ये अल्टीमेट फॉर्मूला आ गया कि अगर अर्थ के सरफेस पे एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जी नॉट है तो किसी डी डेप्थ पे जी की वैल्यू डिक्रीज होगी, जैसे जैसे डी बढ़ता जाएगा
जी की वैल्यू कम होती जाएगी, है ना, और इस फॉर्मूले से कम होती है। तो दो ही फॉर्मूले हैं आपके, है ना। आप चाहो तो इसको ज्यादा अच्छे से याद करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको याद करने के बजाय ये जी नॉट वाला फॉर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भाई जो जी की वैल्यू होगी हम इस फॉर्म को याद रखेंगे कि भाई किसी भी हाइट पे जी की वैल्यू हो जाएगी जी नॉट डिवाइडेड बाई वन प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। सर हाँ बताओ। सर इसी फॉर्मूला में हाइट को नेगेटिव पुट करके वो मतलब कि किसी अर्थ के अंदर के उसको नहीं नहीं नहीं, नहीं 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 कर सकते बेटा, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ओके सर, नहीं कर सकते, बिल्कुल गलत है, क्योंकि अंदर और बाहर की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, है ना। अंदर और बाहर में जी का जो वेरिएशन होता है ना वो अलग अलग होता है। मैं ग्राफ बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई जी का की जो वेरिएशन होती है वो अंदर और बाहर जो होती है अलग अलग होती है, इसलिए ऐसा नहीं कर सकते हम इसमें, है ना। कई बार लगता है किसी में एच की वैल्यू नहीं तो वो नहीं कर सकते हम इसमें। तो दो फॉर्मूले हैं कि विद डेप्थ विद हाइट, है ना, ये आपका हो गया विद डेप्थ, ये विद हाइट हो गया आपका, ये हम लिख सकते हैं सर। ये आपका गेस से तो हाइट के साथ जी की वैल्यू इस फंक्शन से डिक्रीज होती है, दोनों केस में डिक्रीज ही होता है कि एच जब इंक्रीज होगा तो जी की वैल्यू डिक्रीज होगी, है ना। और जब इस केस में डेप्थ भी जब इंक्रीज होगा, है ना, जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या होगी इस केस में डिक्रीज होगी, मतलब सर्फेस पे जो होता है ना जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, चाहे अंदर जाए चाहे बाहर जाए जी की वैल्यू डिक्रीज होती है ना। सर्फेस पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है। जैसे मैं अगर बोलूँ कि अगर डेप्थ आर के इक्वल हो जाए, डेप्थ आर के इक्वल मतलब सेंटर ऑफ द अर्थ पे, है ना, कि डेप्थ जो है अगर वो आर के इक्वल हो जाए सेंटर ऑफ द अर्थ पे, तो यहाँ से जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, कि मतलब अर्थ के सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो होती है, है ना। सर है ना कि अर्थ के सेंटर, सर बोलो, जैसे कि आपने बोला कि सरफेस पे सबसे ज्यादा होती है ग्रेविटी, तो ये हर प्लेनेट के लिए वैलिड है। इसके लिए हर प्लेनेट के लिए। ओके सर, कोई भी अगर सॉलिड प्लेनेट है तो उसके हर केस के लिए वैलिड है, हर प्लेनेट में ऐसे ही होगा। हर प्लेनेट का क्या चेंज हो जाएगा, मास और रेडियस अलग होगा, प्लेनेट में क्या वेरिएशन होगा, ये एम अलग होगा, उसका रेडियस अलग होगा, तो हर के लिए वैलिड है जी की वैल्यू। हाँ, जी नॉट की वैल्यू जो है ना वो 9.8 हो जाएगी, बिल्कुल सही आप बोल रहे हो कि जो जी नॉट जो इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे ना, ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है अर्थ के सरफेस के ऊपर, बिल्कुल सही है। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा या डेप्थ बढ़ेगा तो जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, है ना, कि जी की वैल्यू क्या होती है उसके लिए आपकी डिक्रीज होती है। और भी वैसे जी चेंज होता है, सिर्फ हाइट और डेप्थ की वैसे नहीं, और भी इसमें वजह होती है, वो भी मैं बताता हूँ आपको। है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक ग्राफ बना देता हूँ मैं आपको बगल में ही यहाँ पे, कि भाई जी का जो वेरिएशन हो रहा है वो ग्राफिकली कैसा हो रहा है। ग्राफिकली मतलब अगर ये अर्थ है तो यहाँ पे अगर मैं ग्राफिकली सोचना चाहूँ कि भाई जी के जो वेरिएशन हैं वो किस तरह से हो रहे हैं, ये हिसाब का है ना, कि इस तरह से अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ कि जी की वजह से कैसा हो रहा है वेरिएशन, ये हिसाब।
है ना, तो वो वेरिएशन आपका इस तरह से होता है। इसलिए मैंने बोला ना अंदर बाहर का फॉर्मूला सेम नहीं होता है। जी का अगर मैं डिस्टेंस के साथ ग्राफ बनाऊं तो ये ग्राफ आपका इस तरह से होता है, अंदर में स्ट्रेट लाइन होता है, है ना, कि भाई सेंटर ऑफ द अर्थ पे तो जीरो होगा, धीरे धीरे सरफेस की तरफ बढ़ेगा और उसके बाद जो होता है वो कर्व के अकॉर्डिंग डिक्रीज हो जाता है, ऐसा होता है। यस है ना, तो ये वेरिएशन होता है। तो सेंटर ऑफ द अर्थ पे जीरो होगा, जैसे सेंटर से हम रेडियस सरफेस पे आएंगे जी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी क्योंकि जी नॉट हो जाएगी और उसके बाद फिर से डिक्रीज हो जाएगी, है ना, तो ये वेरिएशन होता है। सर ग्राफ होगा वो ऐसा होता है। सर हाँ बोलो सर, इसका मतलब अगर कोई सरफेस से जैसे कि कोई होल है अगर अर्थ के अंदर, तो अगर हम उसमें गिर जाते हैं तो हम नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होते हुए नीचे गिरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, क्योंकि जी की वैल्यू ओके सर ठीक है ना, जी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहेगी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है ना, कि होल में अगर हम गिर जाए तो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो जाएगा, है ना, बहुत सारी इंग्लिश मूवी में दिखाता भी है, है ना, बहुत सारी फिक्शन जो साइंस फिक्शन मूवी होती है उसमें ये सब आ चुका है, अंदर वाली चीजें ठीक है, इसका ग्राफ होता है। लेकिन सिर्फ यही वजह से नहीं है, वेरिएशन एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ भी होता है, क्योंकि अर्थ का शेप कोई परफेक्ट स्फीयर थोड़ी है, है ना, कि वेरिएशन जो होता है एक तो हाइट से चेंज हो गया, डेप्थ से चेंज हो गया, ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ भी होता है। थर्ड आ गया ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, है ना, एक्चुअली में क्या होता है ना कि अर्थ तो इक्वेटर से बल्ज आउट है ना, इक्वेटर में बल्ज ऊपर से कंप्रेस होता है, तो जो रेडियस ऑफ द अर्थ इक्वेटर पे होती है ये ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ एट पोल, है ना, दिस इज द रेडियस एट इक्वेटर, है ना, और दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ एट पोल्स, है ना, तो उसकी वजह से भी चेंज हो जाएगा सरफेस पे ही, है ना, कि सरफेस अभी तक तो हम हाइट और डेप्थ से बोल रहे थे, लेकिन सरफेस पे भी जी की वैल्यू यूनिफॉर्म नहीं होती है, कि अगर मैं इस तरह से बना दूं और ये अगर आपका इक्वेटर है ना, कि इस तरह से अगर मैं इक्वेटर बना दूं यहाँ पे, है ना, तो इक्वेटर पे जो जी की वैल्यू होगी ना वो आपके डिफरेंट होगी, इक्वेटर पे जो जी की वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी, कि ये आपका इक्वेटर है और ये पोल है, ये आपका पोलर प्लेन बना दो आप ऐसे, है ना, तो इक्वेटर पे जितने पॉइंट्स होंगे उस पे जो जी की वैल्यू होगी वो सपोज आपका जी ई है, और पोल पे जितने पॉइंट होंगे इस पे जी की वैल्यू अगर जी पी, तो जब आप इक्वेटर पे जी निकालोगे तो वो आप लिखोगे जी ई बाई, है ना, रेडियस ऑफ द इक्वेटर का स्क्वायर, और जब आप पोल पे निकालोगे तो जी ई बाई जी एम बाई रेडियस ऑफ द पोल का स्क्वायर, तो कहाँ पे जी की वैल्यू ज्यादा होगी, वेयर जी विल बी मोर ड्यू टू द अर्थ शेप, इक्वेटर नहीं, इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा है, जहां रेडियस ज्यादा होगा वहां पे जी की वैल्यू कम होगी ना, देखो ना यहाँ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कि भाई जब लिखेंगे ना तो जी एम बाई आर स्क्वायर होता है, तो जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, तो जहां पे इक्वेटर का रेडियस ज्यादा होता है तो वहां पे जी की वैल्यू कम होगी, तो जी की वैल्यू इक्वेटर पे कम होती है एज कंपेयर टू द जी एट पोल्स, पोल्स पे जी की वैल्यू ज्यादा होती है, है ना, कि अर्थ के हाइट पे ना भी जाए, डेप्थ पे नहीं भी जाए, सरफेस पे भी इक्वेटर पे सबसे ज्यादा जी की वैल्यू होती है और सबसे कम, और पोल्स पे क्या होती है बेसिकली मैक्सिमम होती है, एक तो शेप ऑफ द अर्थ भी है, दूसरा भी एक रीजन होता है जिससे कि हम बोलेंगे कि पोल पे ज्यादा होती है, लेकिन शेप ऑफ द अर्थ की वजह से भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पोल्स पे ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द इक्वेटर, है ना, मतलब वही है कि कोई चीज अगर यहाँ पे हम कोई मेजर कर रहे हैं कि 1 kg है, तो वही चीज पोल पे जाके वो ज्यादा वेट होगा उसका, क्योंकि तो उसमें जी की वैल्यू बढ़ जाएगी फॉर द सेम मास, है ना, कि सेम मास के लिए उसकी वहां पे ज्यादा वैल्यू चल जाएगी।
ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ आ गया। लेकिन अब देखो कि मैं सारी पिक्चर में यहाँ पे जो भी मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, कि मैंने बोला भाई सरफेस पे हर जगह पे अलग अलग होगा, शेप ऑफ द अर्थ की वैसे ऐसा होगा, लेकिन एक रोटेशन ऑफ द अर्थ भी तो होता है भाई, अर्थ रेस्ट पे थोड़ी होती है, अर्थ तो रोटेट होते रहती है ड्यू टू अर्थ रोटेशन, अर्थ रोटेशन है ना, रोटेशन की वजह से भी जी की वैल्यू में चेंज आता है, क्योंकि रोटेशन की वजह से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जी मॉडिफाई होती है ड्यू टू अर्थ रोटेशन, है ना। तो वो थोड़ा सा वो फॉर्मूला आप ध्यान रखना, उसको बहुत ज्यादा आप डेरिवेशन नहीं पढ़ सकते, जस्ट मैं एक फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, ये आपका अर्थ है और आपको होता है अर्थ अपने सेंट्रल एक्सिस के अबाउट रोटेट करती रहती है, है ना, कि अर्थ अपने सेंट्रल एक्सिस के अबाउट क्या करेगी, इसलिए आपके रोटेट करेगी, कि इस तरह से किसी ओमेगा से ये रोटेट करती है और ओमेगा की वैल्यू जो होगी वो 0.034 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होती है, बहुत कम होता है, लेकिन रोटेट तो करती है, रोटेट करती रहती है। तो जब ये रोटेट करेगी, है ना, कि भाई इस तरह से अगर ये रोटेट करेगी इस तरह से आपकी, तो उसकी वजह से क्या होगा ना, जी की वैल्यू सरफेस ऑफ द अर्थ पे चेंज होती रहेगी, ये रोटेशन की वजह से जी की वैल्यू सरफेस ऑफ द अर्थ पे चेंज होती रहेगी, कि भाई इक्वेटर पे सबसे कम होगा और जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे जी की वैल्यू जो होगी वो आपकी इंक्रीज होती, इक्वेटर से जैसे हम पोल की तरफ जाएंगे ऐसे, है ना, तो जी की वैल्यू क्या होगी, इसलिए आपकी इंक्रीज होती है ना रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से। तो हम किसी लैटिट्यूड पे निकाल लेते हैं, कि मैं सपोज कोई यहाँ पे लैटिट्यूड ले लेता हूँ, ये थीटा लैटिट्यूड है, है ना, कि हम निकालना चाहते हैं कि थीटा लैटिट्यूड पे जी की वैल्यू कितनी होगी, तो इसका फॉर्मूला ध्यान रखना, जी थीटा लैटिट्यूड पे जो जी की वैल्यू होती है वो आपकी होती है जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस थीटा, सॉरी आर स्क्वायर नहीं होता है, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है, फिर से मैं लिख देता हूँ इसको जरा सा, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग जो जी चेंज होता है वो इस फंक्शन से चेंज होता है, है ना, कि लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग जो जी चेंज होगा वो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और जी नॉट की वैल्यू वही है, भाई जी नॉट की वैल्यू वही 9.8 या जी एम बाई आर स्क्वायर। तो आप देखो इसमें क्या होगा, अगर मैं पोल पे लूँ तो पोल का तो लैटिट्यूड जीरो होता है ना एट पोल, सॉरी एट इक्वेटर, है ना, कि इक्वेटर पे अगर हम लें तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि इक्वेटर से एंगल ही तो लैटिट्यूड होता है, तो हम थीटा जीरो लेंगे तो कॉस जीरो तो वन होता है ना, तो इक्वेटर पे जी की वैल्यू सबसे कम होती है, जे मिनिमम होगा और वो हो जाएगा जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, और जब पोल पे जाएंगे एट पोल तो पोल का जो लैटिट्यूड होता है वो 90 डिग्री होता है, कॉस 90 जीरो हो जाएगा, वहां पे जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है ना, कि वहां पे जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसलिए आपकी मैक्सिमम है ना, कि वहां पे एट पोल की अगर हम बात करें थीटा 90 पे तो जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है और वो जी नॉट के इक्वल हो जाएगा, वही बात है कि कॉस जीरो जब पुट करेंगे तो वन हो जाएगा और 90 पुट करेंगे तो पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा, मतलब जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो जी की वैल्यू इंक्रीज होती है अर्थ सरफेस के लिए। तो एक तो इफेक्ट इसका है ही शेप का, लेकिन ज्यादा कंट्रीब्यूशन इसका होता है रोटेशन का, शेप का कंट्रीब्यूशन उतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, है ना, क्योंकि इस रेडियस का डिफरेंस सिर्फ 21 किलोमीटर होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है, रेडियस ऑफ द अर्थ इक्वेटर और पोल में 21 किलोमीटर का डिफरेंस होता है, ये हम कर सकते हैं ऐसे। तो ये चार वजह से जी की वैल्यू चेंज होती है ना, कि नॉर्मल केस में तो आपने बोला इतना होता है, लेकिन हाइट के साथ जी डिक्रीज होगी इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, डेप्थ के साथ भी जी डिक्रीज होगी इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, और शेप की वजह से भी चेंज होगा और मेन रोटेशन का भी आ गया, तो रोटेशन की वजह से भी जी की वैल्यू क्या होती है, मॉडिफाई होती है। तो जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो जी की वैल्यू इंक्रीज होगी, है ना, लेकिन मैकेनिक्स में ना अब तक जो हम पढ़ते आ रहे थे मोशन या लॉज ऑफ मोशन, उसमें ये सारा वेरिएशन हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हम नियर टू द अर्थ सरफेस रहते हैं ना, तो बहुत ज्यादा चेंज थोड़ी होगा भाई, एक मीटर अर्थ के सरफेस के ऊपर हम किसी
स्टोन को थ्रो कर रहे हैं या 500 मीटर भी कर रहे हैं, तो 6400 के रिस्पेक्ट में तो बहुत छोटा हो, तो उस केस में ये सब वेरिएशन हम नहीं मानते, लेकिन वैसे चेंज होता है। रोटेशन की वजह से क्यों चेंज होती है ग्रेविटी? हाँ बेटा, वो अब वो डेरिवेशन तो मैं नहीं बता पाऊंगा अभी, वो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, रोटेट जब करेगा ना तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगता है। तो सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रिपेटल फोर्स सेम होते हैं? हाँ नहीं, वो बताया था बेटा, मैं सर्कुलर मोशन में बताया था, दोनों अलग होते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सूडो फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है ना एक फिक्शियस फोर्स होता है, सूडो फोर्स। ओके सर, लेकिन वो मत जानो कि क्यों होती है, क्यों फिर बहुत डीप थ्योरी में चले जाएंगे रोटेशन की वजह से। तो ये थोड़ा सा आपको जानना होता है। ऐसे हम आ जाते हैं कि एस्केप स्पीड वर्ड यूज करते हैं, तो क्या होता है एस्केप स्पीड? व्हाट इज एस्केप स्पीड? क्या हो जाता है आपका? सो द स्पीड रिक्वायर्ड फॉर द अर्थ टू लीव इट्स ऑर्बिट। नहीं नहीं, एस्केप स्पीड की डेफिनेशन क्या है? एक हम वर्ड यूज करते हैं एस्केप स्पीड। सर एटम्स में? नहीं नहीं, ग्रेविटेशन में। कितने स्पीड से उसे जाना पड़ेगा अर्थ के ग्रेविटी को एस्केप करने के लिए? हाँ वही सही है। हाँ एस्केप वेलोसिटी एस्केप स्पीड सेम चीज होती है। एस्केप वेलोसिटी स्पीड लिख दो या एस्केप वेलोसिटी लिख दो? एस्केप वेलोसिटी लिख लो। हाँ सही बताया उन्होंने कि भाई कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट करें ताकि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड्स को एस्केप कर जाए, है ना, कि एस्केप स्पीड होता है मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू एस्केप अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड कि अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप करने के लिए कितनी मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड होती है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं इसके लिए आपका एस्केप स्पीड। में नहीं बेटा ये सही नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, उसका अंडर रूट होता है जो आप लिख रहे हो, मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू एस्केप द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना। तो वो मैं लिख लेता हूँ आपको, एक्चुअली मैं यहाँ से ले रहा हूँ कि भाई किसी हाइट से, है ना, कि भाई मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से मैंने बोला कि जो एस्केप स्पीड हम निकाल रहे हैं ना किसी हाइट से निकाल लेते हैं पहले, बाद में हम उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। ये सेंटर ऑफ द अर्थ है, सेंटर ऑफ द अर्थ से स्मॉलर डिस्टेंस पे, ये पूरा स्मॉलर डिस्टेंस है आपका, कैपिटल एम मस का मास है, तो कितनी स्पीड से हम किसी चीज को प्रोजेक्ट करें किसी भी डायरेक्शन में ताकि अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड को एस्केप कर जाए, है ना। ये स्मॉलर क्या है ना, सेंटर से उस पॉइंट के डिस्टेंस है, है ना, कि सेंटर से उस पॉइंट के डिस्टेंस स्मॉलर, है ना। तो इसके लिए हम जस्ट एक फॉर्मूला लिख लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही, इसका फॉर्मूला हम लिख देंगे। तो यहाँ पे जो एस्केप स्पीड की वैल्यू होती है ना, वो आपकी होती है अंडर रूट ऑफ 2gm / स्मॉलर, ये होती है इन जनरल, है ना, कि m तो मास ऑफ द अर्थ हो गया, अर्थ सेंटर से डिस्टेंस हो गई इसकी, है ना। तो एस्केप स्पीड का फॉर्मूला भी आप ध्यान रखना कि अगर वहां से इसको एस्केप करना है तो इतनी स्पीड से प्रोजेक्ट करना होगा, इससे ज्यादा से करोगे तो भी हो जाएगा, ये तो मिनिमम स्पीड है, तो रूट टू जी एम बाई आर हो जाएगा। इसमें स्मॉलर ध्यान रखना है, स्मॉलर जो है ना अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस है, है ना, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ सेंटर, अर्थ सेंटर, है ना, कि अर्थ सेंटर से इसके डिस्टेंस है। तो अगर ये तो मैंने एस्केप स्पीड का जनरल फॉर्म लगा दिया कि अगर मैं निकालना चाहूं एस्केप स्पीड फ्रॉम अर्थ सरफेस, एस्केप स्पीड फ्रॉम अर्थ सरफेस, कि भाई अर्थ सरफेस से एस्केप स्पीड की वैल्यू कितनी होगी, कि भाई मैं यहां सरफेस से प्रोजेक्ट करना चाहता हूं तो कितनी स्पीड से मैं प्रोजेक्ट करूंगा, तो वही बात है, इसी फॉर्मूले में स्मॉलर की वैल्यू आप क्या पुट कर दोगे, कैपिटल आर। तो जैसे मैं कैपिटल आर रेडियस ऑफ द अर्थ है,
यहां से स्केप स्पीड की वैल्यू आपकी आ जाएगी, रो टू जी एम बाई कैपिटल आर। और ये सारे टर्म आपको पता होते हैं, जी की वैल्यू, मास ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ, तो इससे स्केप स्पीड की वैल्यू आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अर्थ के सरफेस से अगर इतनी स्पीड से प्रोजेक्ट करेंगे तो वो चीज फिर वापस नहीं आएगी अर्थ के किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड है ना, इसमें जब वैल्यूज पुट करेंगे तो किलोमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो भाई इतनी स्पीड से मैं प्रोजेक्ट करूंगा ना तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को स्केप कर जाएगी, वापस नहीं आएगी। इससे कम से करेंगे तो हो सकता है वापस आ जाएगी, है ना। तो आप आ जाएगा इस तरह से। वो जो r इक्वल टू r आप लिखे वो क्या है? मैंने बोला कि भाई जैसे स्मॉल r तो किसी हाइट से हम निकाल रहे थे, अर्थ का सरफेस मैंने पहले नहीं लिया था ना, मैंने बोला था सेंटर से किसी स्मॉलर डिस्टेंस पर हो जाएगा, लेकिन तो इसमें स्मॉलर आया था। अगर मैं स्केप स्पीड लिखना चाहूँ अर्थ के सरफेस से कितना होगा, तो सरफेस में स्मॉलर की जो वैल्यू होगी वो कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगी ना, ये वाला डिस्टेंस है ना, तो कैपिटल आर पुट कर दोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 11.2 बताओ सर, तो इसका मतलब रॉकेट्स की स्पीड मिनिमम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होगी। हाँ हाँ, रॉकेट स्केप कहाँ करता है यार, रॉकेट तो बस अर्थ के एटमॉस्फेयर से ऊपर जाने के लिए होता है। अगर स्केप कर जाएगा तो फिर रॉकेट पहुंच जाएगा कहाँ, चला जाएगा अनंत में, इनफाइनाइट में। तो रॉकेट इनफाइनाइट में थोड़ी जाता है, वो तो अर्थ के एटमॉस्फेयर से जस्ट ऊपर चला जाता है स्पेस में, वो स्केप स्पीड थोड़ी होती है उसकी, उसको तो एक पर्टिकुलर हाइट पे सैटेलाइट को ऑर्बिट करवाना होता है। नहीं तो स्केप का तो मतलब ये है कि वो चला गया बाहर, रॉकेट को स्केप स्पीड से प्रोजेक्ट करेंगे तो फिर बीच में ब्रेक रॉकेट फायर करने पड़ेंगे, उसकी स्पीड कम करनी पड़ेगी आपको, है ना। पहले कैसे हाँ, तो ये ध्यान रखना ये जो फिगर है ना ये सिर्फ अर्थ के सरफेस से है, किसी हाइट से करेंगे तो स्केप स्पीड की वैल्यू और कम हो जाएगी। हाँ, कि अर्थ के हाइट से करेंगे तो स्केप स्पीड की वैल्यू और क्या होगी, कम होगी। हाँ, तो कई बार बच्चे ये फिगर याद रखते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना ये अर्थ के सरफेस से है, अर्थ के क्या बेसिकली आपका सरफेस से है। बेटा वो लाइट का अभी हम नहीं पढ़ रहे, अभी जस्ट हम सिंपल इसकी बात कर रहे हैं, वो तो फिर ब्लैक होल वगैरह का कंसेप्ट आ जाएगा, वो मत करो अभी आप, उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूँ। ठीक है ना, ठीक है ना। तो आप कोई न्यूमेरिकल मैं शो करता हूँ, उसको थोड़ा सा ट्राई करो, है ना। आपके पास कुछ फॉर्मूले आ गए जिसके ऊपर न्यूमेरिकल आपको करने हैं। मैंने बताया था कि भाई एनसीईआरटी में तो सिर्फ ये दो फॉर्मूला है, इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मूला है ही नहीं, लेकिन थोड़ा सा अगर हम आगे जाएं तो हाइट के साथ वेरिएशन, डेप्थ के साथ वेरिएशन एंड आपका रोटेशन का इफेक्ट एंड स्केप स्पीड, ये आपको थोड़ा जानना होता है। हाँ, ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा होती है, बिल्कुल सही बोल रहा है आपका जी। हाँ, वन बाय वन मैं न्यूमेरिकल शेयर करता हूँ, इसको थोड़ा ट्राई करो। ये सही है,
ओके आई हैव गॉट द आंसर, मेनी आंसर्स आई हैव गॉट, है ना, बिल्कुल सही है। हाँ रेयान सही है आपका आंसर, श्रेया शर्मा सही है, दिव्य सही है, सही है रेयांस, बाद वाला आंसर सही है आपका, पहले वाला सही नहीं है। ठीक है ये आप करेगा इस तरह से, वो इसका जो आंसर सही है ना सी सही हो जाएगा। अभी तो आपने पढ़ा कि हॉलोस्फीयर के अंदर तो कोई फोर्स नहीं लगता है, तो फोर्स जीरो हो जाएगा, कहीं भी रहे पॉइंट मास, चाहे यहां रहे सेंटर पे रहे कहीं भी रहे, इसके ऊपर किसी भी जगह पे कोई फोर्स नहीं एग्जर्ट होगा, तो जीरो आंसर इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना, कि बाहर तो लगता है, बाहर तो लगता है, अंदर में कहीं भी कोई फोर्स नहीं लगता। चलो ये नहीं करते हैं अभी, मैं दूसरे क्वेश्चन देता हूं, वो भी दूंगा मैं आपको। मैं एक बार क्वेश्चन देख लूं मेरे पास कौन से हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। ओके चलो ये कर लो जरा सा।
सौम्य त्यागी एंड आदिल अजीम आपका आंसर सही है क्या? एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ जरा सर बुक्स में से। हाँ श्रेया शर्मा आदिल एंड सौम्य आपके आंसर सही। रियान से ही आपका आंसर। सही है मेरे ख्याल से डी ऑप्शन सही बता रहे हैं। चेक कर लेता हूँ वैसे तो मैं इसे, मुझे अभी इसका आइडिया नहीं है आंसर किसी का भी। इसने बोला कि एक नया हमने प्लैनेट डिस्कवर किया जिसकी की डेंसिटी जो है ना वो ट्वाइस है दैट ऑफ द अर्थ, है ना? तो जी की वैल्यू जनरल का एक है, तो अर्थ के सर्फेस पे जी की वैल्यू कितनी होती है? अर्थ की वैल्यू होती है जी एम बाई आर स्क्वायर, है ना? कि अर्थ के सरफेस पे क्या हो जाता है एक्जेक्टली आपका जी एम बाई आर स्क्वायर हो जाता है। तो पहले तो इसको डेंसिटी के टर्म्स में चेंज करना पड़ेगा ना आपको। तो ये आपका जी बाई आर स्क्वायर हो गया, मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू 4/3 πr³, हाँ कि 4/3 क्या हो जाएगा एक्जेक्टली आपका πr³ हो जाएगा, क्योंकि तो आपने मास को डेंसिटी के टर्म्स में लिख दिया, तो यहाँ से आर की पावर तो कैंसिल हो गई आपकी, तो अल्टीमेटली आपका आ गया ये 4/3 πgd इंटू आर, ये तो बच गया क्या? तो मतलब डेंसिटी के टर्म्स में पहले लिख लेते हैं, डी में डेंसिटी है ना, डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास आ जाएगा। तो जो सपोज अर्थ की डेंसिटी आपने डी ले लिया, रेडियस आर ले लिया, अब सेम जी रखना है आपको, तो 4/3 π तो कॉन्स्टेंट है, जी भी कॉन्स्टेंट है, अब डेंसिटी इसकी डबल है, मतलब ये 2d हो गई। डेंसिटी अगर डबल है तो अब इसकी रेडियस कुछ डिफरेंट होगी ना, आर डैश हो जाएगी, तो इससे आप देख लो सही बोल रहे हो आप इसमें कि अगर 4/3 πgd तो कैंसिल हो गया, है ना? तो यहां से आपका आ गया कि जो 2r' की वैल्यू r के इक्वल आ गई, मतलब जो नए प्लैनेट की रेडियस होगी वो r/2 हो जाएगी। डेंसिटी डबल है तो रेडियस हाफ होनी चाहिए, है ना? तभी जो है g की वैल्यू दोनों के इसमें क्या रहेगी एक्जेक्टली आपकी सेम रहेगी, है ना? तो ये हमने बात की इस तरह से, है ना? तो अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा आते हैं क्वेश्चन आपके एग्जाम में, है ना? डेंसिटी अगर उस प्लैनेट की डबल है ना, तो रेडियस हाफ होगी तभी एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी जी सेम आएगा, है ना? जी को तो लेफ्ट साइड पे तो सेम ही रहना है, उस तरह से हम कर सकते हैं। तो यही वेरिएशन होता है, हाइट में क्या होगा, डेप्थ में क्या होगा, डेंसिटी चेंज करेंगे तो क्या होगा, तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ये हम कर सकते हैं।
है यहाँ पर रेहान से ही आपका आंसर आदिल से ही आपका आंसर श्रेया सही है श्रेया सही है आपका आंसर वन फोर्थ हो जाए ना तो सीधे फॉर्मूला लिख लो वेरिएशन हाइट के साथ क्या होता है हाइट के साथ वेरिएशन का फॉर्मूला ये तो होता है जी इक्वल टू जी नॉट बाई वन प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर कैसी को चाहो तो हम सिंप्लीफाई करके ऐसा भी लिख सकते हैं जी नॉट इंटू आर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर ये ज्यादा अच्छा रहेगा है ना कि आर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आर प्लस एच का होल स्क्वायर वही चीज है ना आर एलसीएम ले लेंगे तो आर ऊपर चला जाएगा इस तरह से तो ये हाइट के साथ जी का वेरिएशन ऐसा होता है ये बोल रहा है कि किस हाइट पे एच की किस वैल्यू पे जी की वैल्यू जी नॉट बाई फोर हो जाएगी इस फॉर्मूले में पुट कर दो तो जी की वैल्यू जो सर्फेस पे थी उसका फोर टाइम्स हो जाएगी वन फोर्थ हो जाएगा इक्वल टू जी नॉट इंटू आर प्लस डिवाइड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से जी नॉट कैंसिल यहां से r बाई आर प्लस एच की जो वैल्यू आ गई वो आपकी हाफ आ गई
अंडर रूट लेने तो आर एफ आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब आर प्लस एच की वैल्यू आपकी जो होगी वो आपकी टू आर आ जाएगी, तो यहाँ से एच की वैल्यू आ रही। तो अर्थ के सरफेस से अगर हम रेडियस के बराबर हाइट पे इक्वल चले जाएं, तो ऐसा नहीं कि रेडियस जी हाफ हो जाएगा, वन फोर्थ हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले से हम सॉल्व कर लेंगे इसे, तो भाई किस एच की वैल्यू पे ये जी की वैल्यू जी नॉट का वन फोर्थ हो जाएगी, तो पूछा इसने, जस्ट फुट फुट करके एच की वैल्यू आ गई, ये ऑप्शन सही है ना? वो हाइट अर्थ की रेडियस के इक्वल होगा 6800 किलोमीटर। ठीक है, ये आपने कर लिया इस तरह से। तो इसको देख लो, अगर इजली आ जा रहा था ना, इसको छोड़ दो भैया। हाँ ये कर सकते हैं, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाँ, कितने हाइट पे वेट की वैल्यू 1/16 हो जानी चाहिए, बिल्कुल सही है। सरफेस पे जो भी उसका वेट होगा उसका 1/16 कितने हाइट पे हो जाएगा, ये हाइट के अकॉर्डिंग वेट कम होगा ना। ओके, आई हैव गॉट मेनी आंसर्स। हाँ श्रेय सही है, दिव्य सही है, आदिल अजीम आपका आंसर सही है। रियान सही है, दिव्य आपके बाद वाला आंसर सही है, पहले वाला नहीं।
ठीक है ना, सही आप आंसर बता रहे हो सुन लो, है ना, इसमें वेट 1/16 हो जाए, वेट 1/16 का मतलब जी 1/16 हो जाए, कि भाई अर्थ के सरफेस पे अगर जी की वैल्यू जी नॉट है तो कितने हाइट पे जी नॉट बाय 16 हो जाए, क्योंकि जी की वैल्यू 1/16 होगी तभी तो वेट 1/16 होगा, क्योंकि वेट एम जी तो होता है, तो एम जी में अगर जी वन मास तो चेंज होते हैं ना, तो क्वांटिटी ऑफ मैटर है, जी की वैल्यू तो चेंज हो सकती है, तो जस्ट वही फॉर्मूला अभी आपने जो पढ़ा था कि जी नॉट इंटू आर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, किसी भी हाइट पे जी की वैल्यू ये होती है, तो इसमें ये चीज जी नॉट बाई 16 हो गई, इक्वल टू जी नॉट आ गया इंटू आर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर आ गया, तो जी नॉट कैंसिल, तो आर बाई आर प्लस एच जो होगा ये 1/4 हो जाएगा, मतलब आर प्लस एच की वैल्यू आपकी 4R हो जाएगी, मतलब एच की वैल्यू 3R हो जाएगी, इसमें ऐसा क्या करना है, इजिली सॉल्व कर सकते हैं इसमें, एक बार ये एक्सप्रेशन पता है आपको फिर तो ये मुश्किल है ही नहीं ना। ठीक है, ये आपका गेस है, तो एच की वैल्यू आपकी 3R होगी, तो सी ऑप्शन ये भी देख रहे हैं, तो दोनों में हाइट के अकॉर्डिंग ही आपने देखा था, अभी डेप्थ के अकॉर्डिंग भी आएगा वेरिएशन, तो डेप्थ वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये आपका गेस है। ये तो सिमिलर क्वेश्चन ही है, कोई फायदा नहीं होगा आपको, हाँ ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं,
हाँ सही है, आदिल अजीम, देव्य, निहारिका, श्रेय, यू ऑल हैव गिवन द करेक्ट आंसर। रियांश सही आंसर है ना, सही आंसर है सबके, सही है सबके आंसर, 100 आ जाएगा इसमें तो, लीनियर वेरिएशन होता है ना, 100 सही आंसर है आपका, है ना, बिल्कुल सही आंसर आपने दिया, 100 न्यूटन। क्योंकि अभी आपने पढ़ा डेप्थ के अकॉर्डिंग वेरिएशन कैसा होता है, जी इज इक्वल टू होता है जी नॉट इंटू 1 माइनस डी वाई आर, हाँ, इसने बोला हाफ वे डाउन, मतलब अर्थ के सेंटर से हाफ डिस्टेंस जाना है, मतलब जो डी की वैल्यू होगी ना वो आर बाई टू हो जाएगी, है ना, डी की वैल्यू आर बाई टू हो जाएगी, तो डी की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे आर बाई टू पुट कर दूं, तो यहां से जी की वैल्यू जो हो जाएगी उस हाफ वे डाउन पे कितनी हो जाएगी, 1 माइनस आर बाई टू बाई आर, मतलब जी की वैल्यू जी नॉट बाई टू हो जाएगी, हाँ, तो मतलब इसने बोला है कि सरफेस ऑफ द अर्थ पे इसका वेट जो है 200 है, मतलब एम जी नॉट की वैल्यू जो है वो 200 है, ये तो है, तो हाफ वे डाउन पे एम जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये पूछा है इसने, है ना, और जी की वैल्यू जी नॉट बाई टू है, तो एम जी इक्वल टू जो हो जाएगा एम जी नॉट बाई टू हो जाएगा, मतलब अगर जी हाफ हुआ है तो वेट भी हाफ हो जाएगा, सिंपल से 200 बाई टू आ गया, 100 न्यूटन हो गया, ये 100 हो गया, बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको, बाकी सब तो आसान चीज ही है। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन आ जाएगा इसका, इजली हम अटेम्प्ट कर सकते हैं ऐसे, हाँ ये तो हम कर चुके हैं, 0 था इसका आंसर, हाँ यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन, पर लैटिट्यूड को लंबड़ा में मेजर करते हैं, हाँ सिंबल तो हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, ओके सर, सिंबल तो एंगल के लिए जो मर्जी आप यूज करो, इफेक्टिव वैल्यू मतलब वैल्यू है ना, इफेक्टिव वैल्यू वही जी की वैल्यू, जी कितना होगा, मतलब उस लैटिट्यूड पे जी की वैल्यू कितनी होगी,
हाँ निहारिका, योर आंसर इज करेक्ट, सही आंसर दिया आपने। हाँ से दिव्य भी सही है, रेयांश भी, आपका आंसर भी सही है। ठीक है आपका आंसर है ना कि मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो आपके पास फॉर्मूला ये तो होता है, जी की वैल्यू होती है जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। थीटा की जगह पे इसने 60 डिग्री दिया ही हुआ है। तो आप थोड़ा ध्यान, तो मैंने बोला था ना कि भाई जो पोल होता है पोल पे जी की वैल्यू जी नॉट के इक्वल ही होती है, कि पोल पे जी की वैल्यू किसके इक्वल होती है जी नॉट के। तो इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जी की वैल्यू हो जाएगी जी एट पोल माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, इस लैटिट्यूड के लिए सिंबल लैम्डा लिखा हुआ है तो कॉस स्क्वायर लैम्डा लिख सकते हैं। हाँ बस आपको वैल्यूज पुट करनी है, आपको लैम्डा की वैल्यू 60 डिग्री है तो जी इक्वल टू हो गया जी पी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर है ना कॉस 60 डिग्री का होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर लैम्डा का मतलब होता है कॉस लैम्डा का पूरे का स्क्वायर, तो कॉस 60 डिग्री हाफ होता है तो 1/4 हो जाएगा, तो जी की वैल्यू हो जाएगी जी नॉट माइनस 1/4 ऑफ ओमेगा स्क्वायर आर, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इतने लैटिट्यूड पे जी की वैल्यू इतनी होगी, जी एट पोल लिख लो आप इसे जी नॉट की जगह पे, तो पोल पे तो जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, उससे इतना कम हो जाएगा जी की वैल्यू है ना, उससे इतना क्या हो जाएगा इसलिए आपका कम हो जाएगा ड्यू टू रोटेशन, रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से इतनी वैल्यू से क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी, ये हम कर सकते हैं। तो इससे आपका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो ए सही हो जाएगा।
ये हो गया, ये भी हो गया, ये सब कर लेंगे हम सारा, तो सेम ही जैसे क्वेश्चन। एक मैं थोड़ा सा अलग क्वेश्चन करवाता हूँ कोई, है ना। हाँ ये कर सकता हूँ थोड़ा एस्केप स्पीड के ऊपर क्वेश्चन। रियांश सही है क्या आंसर? चेक करना पड़ेगा मुझे, रियांश ठीक होगा, वैसे मैं चेक करता हूँ, एक मिनट में देख लेता हूँ उसका क्या आंसर है आपका। सही है आपका आंसर। देवे सही है आपका आंसर। आदिल सही है आपका आंसर। निहारिका सही है आपका आंसर, सही है, सभी का आंसर सही है ना। कि इसमें सिंपल सा पहले तो आप देख लो कि किस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, अगर कुछ नहीं बोला मतलब सरफेस से पूछा होगा, ये होता है 2gm/R। अब इसको डेंसिटी के टर्म्स में चेंज कर लो पहले आप, तो मास को हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू 4/3 πr³ बाई आर स्क्वायर, आर आ गया है ना। तो यहां से बाकी छोड़ दो, यहां से आर के एक पावर कैंसिल हो जाएगा है ना। तो एस्केप स्पीड जो हो गई ना, अगर बाकी सारे टर्म सेम है, डेंसिटी तो सेम ही है, जी कॉन्स्टेंट ही रहता है, तो एस्केप स्पीड जो होगी यहाँ आर स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ गया है ना। तो जो वी ए बाई वी बी होगा ये एक्चुअली आर ए बाई आर बी के इक्वल हो जाएगा ना, कि एस्केप स्पीड आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया ना, तो आर ए बाई आर बी की वैल्यू इसने 2:1 बोला हुआ है, तो वी ए बाई वी बी भी 2:1 हो जाएगा है ना। तो सेम अगर डेंसिटी है, रेडियस डबल होगी तो उसकी भी स्पीड भी डबल हो जाएगी, तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट, 2:1 आ जाएगा वी एन वी बी का रेशियो।
है ना, तो ये जस्ट आपने इसको डिफाइन कर लिया इस तरह से, ठीक है ना। तो ये जस्ट आज अपने थोड़ा सा ग्रेविटेशन में कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़ ली जो कि आपके मॉडल में तो दे रखी है लेकिन एनसीईआरटी में वो नहीं है ना। अब आपको क्या करना है कि मॉड्यूल पूरा कंप्लीट कर लो, है ना, कंप्लीट मॉड्यूल एंड एनसीईआरटी एकदम शुरू से स्टार्ट करो आपका, है ना। मॉड्यूल जो वन है, मॉड्यूल टू में दिया हुआ है ग्रेविटेशन चैप्टर, एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, थोड़ा पढ़ो थ्योरी वगैरह क्या दिया हुआ है, है ना, इसकी जो इलस्ट्रेशन है उसको सॉल्व करो, फिर उसके बाद लास्ट में जाके जो एक्सरसाइज दिया है उसको अटेंड कर लो, है ना। और जो भी आपको डाउट्स लगे तो देयर इज ए वन डाउट क्लास ऑन ट्यूजडे, ट्यूजडे के दिन डाउट पूछ लो। अगर आप मॉड्यूल से पूछ रहे हो तो मेंशन ओनली नंबर, आपको पूरा फोटो खींचने की जरूरत नहीं है, नहीं कहीं और का क्वेश्चन है तो फिर फोटो खींच के भेज दो आप। अगर आप मॉड्यूल से पूछ रहे हो ना तो आपको करने की जरूरत नहीं है, आप लिख लो भाई माइंड बूस्टर असाइनमेंट का नंबर ये है ना, कॉन्सेप्ट का नंबर ये, नंबर बता दो, बता दूंगा। ओके सर। अगर कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए फिर आपको उसका फोटोग्राफ भेजना, तो उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा डाउट क्लास में। वही होता है टीचिंग डाउट्स टेस्ट, है ना, भाई तीन ही फेज तो होते हैं। नहीं मैं लूंगा बेटा, डाउट क्लास मेरी लगी हुई है, जो डाउट क्लास है ना वो मेरी लगी हुई है आपके बैच में, नेक्स्ट वीक के टाइम टेबल में। कैसे अभी आपको अपडेट नहीं हुआ है, वो शाम तक आ जाएगा मेरे पास, एक्चुअली पहले आ जाता है ना, वो डाउट क्लास मैं लूंगा, तो डाउट क्लास में आपको पूछ लूंगा आपस में। भाई तीन ही चीज तो होती है, क्लास अटेंड करो रेगुलर, है ना, मॉड्यूल सॉल्व करो और डाउट ले लो, और फिर जो भी है जब टेस्ट हो तो उस टेस्ट को अपीयर करना। तीन स्टेज पे ही सारी चीजें चलती हैं, है ना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाकी हम डाउट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय। बाय सर। बाय बाय। बाय सर। बाय बाय।